हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा। निशा फूड क्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं निशा की रसोई में लेकर आई हूँ पालक के पकोड़े। जो इस समय ठंड का मौसम है और बारिश का मौसम है, तो पालक के पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये हरी सब्जी है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो हमें किसी न किसी रूप में पालक को खाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पालक को एक गड्ढी कट करके इस तरह से धुल कर रख लिया है 3-4 पानी से, और अदरक लिया 1 इंच, और 1 गांठ लहसुन की, और 4 हरी मिर्च। इनका हम पेस्ट बना लेंगे। तो जो लहसुन और खाना पसंद नहीं करते वो यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शूट नहीं हो पाई तो ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने काला नमक आधा चम्मच डाला है, आधा ही चम्मच मैंने सफ़ेद नमक डाला है, 2 पिंच हींग डाली है, 1 चम्मच अजवाइन डाला है, और जीरे का पाउडर 1 चम्मच डाला है। तो ये चीज़ का हमने वीडियो शूट नहीं कर पाए, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं आपको बता दी हूँ क्वांटिटी में कि कितना कितना चीज़ डालना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख भी दूंगी कि कितनी क्वांटिटी में हमने क्या यूज़ किया है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर बिना पानी डाले हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो जितना बेसन हमें इसमें चाहिए उतना उतना हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, तब उसकी क्वांटिटी हमें पता चल जाएगी। और इसे अच्छे से मिक्स करना है बिना पानी डाले हुए, क्योंकि हमने नमक डाला है तो पालक अपना पानी छोड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर। हमें ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं करना है, नहीं तो फिर बेसन का ही स्वाद आएगा और पालक का नहीं। और अच्छे से इसको हाथों से मस लेंगे तो उतना ही ये पानी छोड़ेगा। और उधर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है ऑयल गर्म होने के लिए। तो मैं मस्टर्ड ऑयल इसको गर्म कर रही हूँ, सरसों का तेल, क्योंकि पकौड़ी का स्वाद सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए, क्योंकि जब हम ये नमक मिक्स कर लेंगे ना, तो हमें तुरंत ही तुरंत इस बैटर को, जो पकौड़े बनाएंगे वो तुरंत ही हमें तलना है। तुरंत हम तलेंगे तो ज़्यादा गीला नहीं होगा, और जितनी देर हम इसमें रखेंगे उतना ही पालक पानी छोड़ेगा और ये हमारा बैटर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं मिक्स किया है। तो आप देख सकते हो कितने ईजी तरीके से पालक पानी छोड़ रहा है और कितने ईजी तरीके से ये मिक्स हो रहा है। तो बस इसी तरह से मिक्स कर लेना है और ये हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब चलिए हम इसके पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, करारे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कोई भी सोडा यूज़ नहीं किया है। अगर आपको थोड़े सॉफ्ट चाहिए तो यहाँ पे 2 पिंच सोडा डाल दीजिएगा, तो इससे और सॉफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैटर डाल के देख ली हूँ कि तेल गर्म हो गया है कि नहीं। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म है, और पकोड़े ये जो हम क्रिस्पी बनाएंगे तो इसको हाई फ्लेम से थोड़ा सा लो करेंगे, मीडियम से थोड़ा हाई पे हमें पकोड़े तलने हैं। लो कर देंगे तो ऑयल ज़्यादा से उससे कोई वो सोख लेगा, जो अपने अंदर पी लेगा पकौड़े, और हाई करेंगे तो जल भी जाएंगे। तो हमें मीडियम से थोड़ा हाई रखकर इसमें सफेद तरह से छोटे छोटे टुकड़े इसमें तोड़ते जाएंगे पकौड़े के, जितने बड़े रखने हैं जिस हिसाब से आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में हम फटाफट पकौड़े इस तरह से डाल देंगे, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं, इनमें टाइम नहीं लगता है आलू और प्याज के पकौड़ों की जैसे। तो ये फटाफट आप कभी भी, जब भी मन हो फटाफट इसे बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। हरी मिर्च जो फ्राई होती है उसके साथ खाइए, सॉस या चटनी के साथ खाइए। तो इस तरह से आपके यहाँ जब कोई गेस्ट आए फटाफट आप बना सकते हो। तो इस तरह से हम इसको अब पलट देंगे। 1 मिनट हो गया है एक साइड से फ्राई होते हुए, तो थोड़ा टाइट हो गया, अब इस साइड से हम पलट लेंगे। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, हम इसे करारे बनाएंगे, तो इसलिए हम कोई भी सोडा या पानी नहीं यूज़ करेंगे। अगर उस मीठा सोडा डालना है या बेकिंग पाउडर डालें तो उससे पकौड़े थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, फूलते हैं। तो हम करारे बनाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनाएंगे। और जब हम मीठा सोडा यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो वो तेल भी बहुत ज़्यादा सोखते हैं, तो इसलिए मैंने सोडा यहाँ नहीं डाला। इसी से पकौड़े हमारे करारे और क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए, हमने अलग पलट के इस पकौड़ों को तल लिया है। अब इन्हें हम इस तरह से एक बार और चलाकर अब हम निकाल लेंगे। हमारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से हम सारे बैच को तलते जाएंगे। तो साइड में लगा देंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और ये पकौड़े अगर आप बनाओगे तो ये तेल ज़्यादा नहीं सोखते हैं, उतने ही तेल में आप ढेर सारे पकौड़े बनाकर रख लोगे। आपने देखा होगा कि कढ़ाई भी मैंने ज़्यादा तेल नहीं लिया था, पूरे पकोड़े बनने के बाद भी इसमें तेल उतना ही बच जाएगा, हल्का फुल्का इसमें कम होगा। अभी इस तरह से सारे पकोड़े निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे लग रहे हैं कलर इसके। अब दूसरा बैच भी हम इसी तरह से हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे पकोड़े तोड़ते जाएंगे। इसमें तेल अच्छा गर्म होना चाहिए फ्रेंड, तेल लो ना हो,
फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे बैच इसी में डाल देंगे। एक एक करके तीन बैच में हमारे सारे पकौड़े तल के रेडी हो जाएंगे और टेस्टी से चटपटे से हमारे पकौड़े रेडी होंगे। तो पूरी कढ़ाई, तो फ्रेंड्स पूरी कढ़ाई भरकर हमने पकोड़े डालकर अब ये मेरे पकोड़े आधे रेडी हो गए हैं। एक बैच मैंने अभी कढ़ाई में डाला है और इस तरह से हम सारे पकोड़े को तलकर रेडी कर लिए। तो देख सकते हैं कितने अच्छे, तो फ्रेंड्स कितने अच्छे कलर आया है। तो हमारे पालक के क्रिस्पी चटपटे पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं। बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में बहुत ही टेस्टी लगेंगे, कितनी क्रिस्पी हैं आप देख सकते हो। ये हमने क्रश किया, अंदर तक हमारा पकौड़ा अच्छे से पक गया है। तो अगर फ्रेंड्स ये पकोड़े की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आपको पकोड़े की रेसिपी कैसी लगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है या फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ और फ्रेंड्स फैमिली के साथ सोशल मीडिया पे मेरे चैनल को, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे दें फ्रेंड्स। तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी में फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।